अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जिशान, उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अभी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी, एज यूजल जिस तरह मैं हर वीडियो में एक ही रट्टा लगाता हूँ, मैं दोबारा से लगा लेता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, और कमेंट्स जो है वो भी आप मुझे करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज जनाब मैं आया था थोड़ी देर पहले बाहर से, तो एक और कमाल का दिन गुजर गया, और घर आके जो है वो एक और खुशखबरी मिली, वो ये कि मेरी बेगम जो है जी वो आज खुद बच्चों के साथ गई और चिकन लेके आई। आज इसने चिकन बनाया जी। मैं अभी घर के अंदर एंटर ही हो रहा था तो मुझे कह रही थी कि जी खमीरी रोटियां ले आओ। मैंने कहा यार पहले मैंने अंदर ध्यान दे, ये देखा। तो मेरा बेटा मेरे साथ है, बड़ा खुश है। मैं आया घर तो मेरी बेटी भी और मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ। तो मैंने कहा यार मुझे मुँह हाथ धोने दो ना। मुँह हाथ धोने के बाद जो है वो फिर मैं रोटियां लेके आया और हम खाना खाने लगे हैं। तो थकावट भी हुई हुई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जैसे आपको बताया ना, इन बच्चों को देख के मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाता हूँ। तो अनाया जो है वो माशाल्लाह से आज बहुत प्यारी लग रही है, आपको दिखाता हूँ। इस टाइम फुल रेडी शेडी होके बैठी हुई है और टीवी पे जो है वो पता नहीं किसके वीलॉग देख रही होती है। ये बच्ची मेरे वीलॉग के अलावा पूरी दुनिया के वीलॉग देखती है, पता नहीं मेरी वीडियो इन्हें पसंद ही नहीं आती। और हंसी आ रही तो हंस ले बेटा। तो अब हम खाना खाने लगे जी। आयशा लेके जा रही है और आपको मैं दिखा दूँ चिकन। हाँ जी मेरा बेटा, हाँ जी ये ले ले। बच गया, अभी चोट लग जानी थी आपको, गिरने लगा था। ये देखे हाँ जी, कितने जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, लोगों देखो कितने जा रहे हो। मैं बैठ गया हूँ और अहमद जो है जी वो अपनी शरारते कर रहा है। वो पाजी सलाम कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं? नहीं वो तो पता, ये क्या देख रहे हैं। कैसे सर, दोबारा बोलती हूँ। ऐ हालात देखो जी अनु, मतलब मैं कह कह के थक गया कि वीडियो बना लिया कर, वीडियो बना लिया करो, अपने व्लॉग बना लिया करो, और आप हालात देखें इसके। इसको अभी भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। और सबके रिजक में कमाई में बरकत दे, अल्लाह पाक सबके बच्चों को खुशी दे। तो बच्चों के साथ जाना कोई मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं, आज हम इसकी गाड़ी लेकर गए थे। गाड़ी कौन सी? उसमें क्या करने गए थे? ले ये देखो, ये गाड़ी। तो इस गाड़ी का क्या किया था? स्टेरिंग के साथ हमने सब्जियां बांधी, चिकन। यार कमाल है, मतलब चिकन क्या 10 किलो लेके आई थी? नहीं नहीं, बच्चे को साथ उठाना था ना, तो मैं कैसे उठा सकती थी। अच्छा, इसने अपने बाबा का ना पानी लाद में जूठा करना होता है। चलो पियो, अम्मा ने पी लिया। तो फिर आराम से ले लिया अपनी पसंद का चिकन। बिल्कुल शुक्र है जी। मैं असल में जब भी चिकन सब्जी कुछ भी लेके आऊँ ना, तो इसको ये गिला होता है अगर ये चिकन ठीक नहीं लेके आए, सब्जी सही नहीं लेके आए, फलानी चीज़ देख के नहीं लेके आए, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर अभी जाके ले आया कर। शुक्र है जी, अब ये खुद ही जाके ले आई। और ना ग्रेवी टाइप बनाना था, अनाया कहती नहीं मुझे ना सूप चाहिए इसका, मैंने सूप पीना है शोरबे वाला। हाँ। चल यार जी, ओके। और देखने वालों को मैं बता दूं भाई जान, सच्ची बात तो ये है कि आजकल चिकन सस्ता पड़ता है, सब्जी महंगी पड़ती है। तो हमने जो अक्सर लोग सोचते होंगे ना, अक्सर लोग यही सोचते होंगे ना कि भैया चिकन नहीं खाते। असल में सीधी सी बात है भाई जान, चिकन खा खा के बाजार ही है, लेकिन आज चिकन बनाया ना है कि फरमाइश भी बनाया। हाँ ये देखिए, चिकन बनाना है। पहले कह रही थी आलू गाजरें, सूप पी के ना दो दफा, तो आप कह रही बैली में जगह नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम आपके पसंद की कोई चीज ना लेके आए। बाबा क्या सोच के आ रही हो, तो सूप पी के पेट फुल हो गया। कमाल है यार, वैसी तो मैं बड़ी हूं, मजे का तेरे अपने हाथ ना, तेरे मजे का लगना ही है। नहीं वो पता ना सूप के अंदर जैसे हड्डियों का वो निकल आता है अच्छे तरीके से टेस्ट, उस तरह से मजे का आ रहा है टेस्ट। चलो मैं तेरा थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाओ। असल में मैं बता दूं कि मैंने ना
आपको शायद यकीन आए या ना आए, वेल्डिंग का काम भी शुरू किया था। वेल्डिंग से मुराद ये है कि छोटा सा काम था बाजू की तरफ, तो वो ग्रिले श्रिले दरवाजे जो है वो मैंने कहा चलो मैं खुद ही बना देता हूँ, तो वो जोश जोश में आके मैंने कर तो लिया। ये क्या हो रहा है? पर आपको पता है कि बड़ा मुश्किल काम होता है वो, उसकी वजह से थोड़ी सी थकावट हुई है। फिजिकली जो एक्टिविटी करने की इतनी आदत नहीं है, तो बस वो जिस्म जो है एकदम दर्द कर रहा है, और ये इसका काम चेक करें। ओ भाई किधर क्या कर रहा है? ले चले जी, अब मैं खाना खाने लगा हूं, और मेरे हाथ अभी साफ ही हैं, वैसे आपको दिखा देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा कुछ ब्लैक ब्लैक सा, समझ नहीं। बेसिकली जी वेल्डिंग का मैं थोड़ा सा हाथ ही से करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जी उसमें तो थोड़ा बहुत सर्कल जो है वो मेरा चलता रहा है। खाने को बहुत मजे कर, तो अब मैं खाना शुरू करने लगा हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी, और यार प्लीज तुझे वीडियो पूरी देख लिया करो, लाइक भी कर दिया करें यार, इसमें कोई इतनी आपका कोई खर्चा तो होना नहीं है। खर्चा आपने ऑलरेडी इंटरनेट पैकेज का या इंटरनेट कनेक्शन का तो किया ही हुआ है, तो जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो पूरी देख लिया करें आराम से तसल्ली के साथ, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तो कंजूस ना बने, दूसरों का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल रखें, और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जो आपसे नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।